सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति में लोकतंत्र एवं विविधता के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है और विविधता क्या है। अब लोकतंत्र के बारे में हम कैसे जानेंगे, इसके लिए कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे समरूप समाज। समरूप समाज क्या है? ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एफ्रो अमेरिकी, ये क्या है? उन अफ्रीकी लोगों की संतानें जो कि जिन्हें 17वीं सदी में और अमेरिका में से लाकर गुलाम बनाया गया था। फिर नस्लभेद क्या है? किसी देश से अथवा समाज में नस्ल के आधार पर कुछ लोगों को नीच या हीन समझना। फिर रंगभेद से समझ में ही आ रहा है, रंग के आधार पर। फिर अनुसूचित जाति जनजाति, भारत में जो निर्धन भूमिहीन सामाजिक व आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं वो है। फिर आश्वेत शक्ति आंदोलन, नस्ल आधारित भेदभाव के उन्मूलन के लिए अमेरिका में 1966 से 1975 के बीच जो चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था, जो कि आश्वेत मतलब जो गोरे नहीं थे काले थे, तो उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। फिर यहाँ देखेंगे प्रवासी। प्रवासी क्या होते हैं? अस्थायी तौर पर आर्थिक अवसरों के लिए दूसरे देशों या नगरों में जाकर बसने वाले वो प्रवासी कहलाते हैं। फिर विभाजित समाज। विभाजित समाज एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं बहुत गहरी होती हैं, उसमें विभाजित समाज होता है। जैसे कि बोलते हैं सिख है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो ये सारी चीजें जो सामुदायिक और सांस्कृतिक और जातीय विभिन्नताएं बहुत सारी पाई जाती हैं। फिर बहुल समाज। बहुल समाज जिसमें विभिन्न विचारों एवं पंथों वाला समाज होता है। फिर अपवर्जन भेदभाव। अपवर्जन भेदभाव के अंतर्गत समाज किसी वर्ग या जाति की दूरी बनाए रखना या अपने समूह से उसको निष्कासित करना। फिर अलगाववाद, एक क्षेत्र या जन समूह का अपने बड़े समूह या देश से उसका स्वतंत्र हो जाना या अलग हो जाना या अस्तित्व बनाने की इच्छा जो है अलगाववाद होता है। फिर देखेंगे समरूप समाज क्या है? एक ऐसा समाज जिसमें समुदाय संबंधता है जो गहरी होती है, ये आपको बताया जा चुका है कि क्या है, रंगभेद करना, भूमि समाज, ये प्रवासी, ये आपको बताया जा चुका है, तो हम इसको हाईलाइट करके परिभाषा के तौर पर इसको बता सकते हैं। फिर विभाजित समाज, जिस ये भी हमने अभी बताया। फिर विचारों और पंथों वाला समाज, फिर भी रखना, फिर समूह, बड़े समूह। फिर अविविधता तभी आती है, समाज में विविधता होती है, जैसे भाषाई समूह और विविध संस्कृतियाँ। फिर सामाजिक विभाजन जिसमें कि जाति, रंग, नस्ल, लिंग आदि के भेद पर किया जाए, उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। फिर यहाँ देखेंगे कि जब किसी सामाजिक समूह में आपको घोर अन्याय किया जाता है या सामाजिक अंतर के रूप में विभाजक रूप में लेते हैं, इस तरह से अमेरिकी नस्लवाद के आधार पर भेदभाव किया गया था और जिस सामाजिक विभाजन का रूप देर नहीं लगती। फिर याद है कि अमेरिकन अधिकार आंदोलन, कई घटनाओं के आंदोलन सुधारों के लिए यह सिलसिला जिनका उद्देश्य था एफ्रो अमेरिकन लोगों विरुद्ध होने से नस्ली भेदभाव को मिटाना था। फिर एफ्रो अमेरिकी जिसमें कि संयुक्त रूप से प्रयोग किया एफ्रो अमेरिकन में काले अमेरिकी या काले अफ्रीकियों की वंशज थे। फिर आश्वेत आंदोलन, ये चला था 1966 से 1975 तक। फिर यहाँ प्रवासी जो कि दूसरे देश में जाकर बसते हैं। फिर समरूप समाज। समरूप समाज का अर्थ है समाज में ऐसी सांप्रदायिक जातिवादिक नस्ल भेद आदि ज्यादा गहरी ना हो। जैसे कि दो अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ी जो नस्लवाद की नीति के विरुद्ध जो है 1968 में मैक्सिको में होने वाले ओलंपिक मुकाबले में अपना विरोध प्रकट किया था। उन्होंने अपने नाम टॉमी और स्मिथ जो थे, जॉन कार्लोस थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी पीटर नॉर्मन्स के पक्ष में अपना विरोध प्रदर्शन किया था। फिर देखिए समानता है, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के आधार पर या जन्म के आधार पर या चमड़ी के आधार पर किया जाता है। फिर सामाजिक विभाजन और राजनीति, यह भी हम जीव विज्ञान की कक्षा में डार्विन की क्रमिक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़े हैं। तो इस तरह से देखेंगे जब कोई व्यक्ति आर्थिक तरक्की कर लेता है तो उसे समाज में ऊंचा स्थान मिल जाता है और हर देश के इतिहास में देखने में ऐसी चीजें मिलती हैं। फिर सामाजिक विभिन्नता और राजनीति के परिणाम की तीन बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि जो लोग सामाजिक पहचान को किस रूप में लेते हैं और सामाजिक विविधता का एक राजनीति पर परिणाम तय होता है। इस तरह से हम देखेंगे खास समूह के लोग जो है अपने विशिष्ट मानने पर और सामाजिक विविधता को गले नहीं उतार पाते हैं। फिर आगे देखेंगे हम जब किसी समुदाय के मांगों में राजनेता द्वारा किसी तरह से पेश किया जाता है।
पेश किया जाता है कि यदि सरकार किसी समुदाय की मांग को उचित तरीके से मान लेती है या फिर समुदाय की राजनीति सबल हो जाती है। इसे प्राचीन भारत में समाज के कार्य के आधार पर चार समूह में बांटा गया था। जैसे समय बीतने के साथ साथ चार समूह स्थान पर जाति व्यवस्था ने ले लिया। जाति व्यवस्था जन्म से या किसी व्यक्ति के कर्म के आधार पर मान लिया जाता है। इसी तरह से आजादी से पहले कुछ वर्षों तक आर्थिक संसाधन ऊंची जाति के लोगों के हाथों में था और नीची जाति के लोगों को दबाकर रखा गया था। फिर अंग्रेजी हुकूमत के समय भी आधुनिक शिक्षा पद्धति की शुरुआत की गई थी। आजादी के बाद भी सरकारों ने भी शिक्षा को बढ़ावा दिया था, जिससे कि पिछड़े वर्गों के लोग आधुनिक शिक्षा का लाभ उठाने लगे थे। क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय शिक्षा सिर्फ अपने काम के लिए उन्होंने उसको महत्व दिया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आने लगा था और धीरे धीरे समाज जो पिछड़े वर्ग के लोगों को जागरूकता फैलाने और दूरगामी परिणाम भी हुए थे। फिर देखेंगे कि आज लगभग हर क्षेत्र में नीचे जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। आज नीचे जाति के लोग ऊंचे पदों पर आसीन दिखते हैं और समाज के हर वर्ग को सत्ता की साझेदारी जो है वह मिलती जा रही है और इस तरह से भारत एक मजबूत लोकतंत्र बनने की दिशा में अग्रसर है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे हाशिए पर खड़े लोगों की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार के क्या प्रयास है। तो देखेंगे यहाँ पर आजादी के बाद संविधान में दो ऐसे अहम प्रावधान किए गए जिसमें सही दिशा में लिया जा सके। तो पहला प्रावधान था देश के हर वयस्क नागरिक को मताधिकार देना। उस जमाने में कई जानकारों ने इस बात की हंसी उड़ाई थी कि उनका मानना था कि अशिक्षित लोग इतना विवेक नहीं हो सकता कि वे अपने मताधिकार का सही उपयोग कर पाए। लेकिन गांधी जी का मानना था कि यदि कोई आदमी इतना विवेकपूर्ण ही हो सकता है कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर ले तो फिर सरकार चुनने के लायक भी वह अवश्य ही विवेकपूर्ण होगा। फिर दूसरा प्रावधान था कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण देना, जिससे कि राष्ट्र की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जा सके और साथ ही साथ उनको आईआईएम आईआईटी जैसे शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर पाना, जिससे कि भारतीय सेवा में अपना कार्य वे उनको दे सके और आरक्षण का वे लाभ उठा सके। फिर इसका सही महत्व समझने के लिए हमने विश्व के अन्य देशों के उदाहरणों को देखा। उससे यह समझ में आया कि किस तरह से कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई, लेकिन बराक ओबामा जैसे पहले तक कोई भी आश्वेत अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं बन पाया था। फिर हमारे देश में लाखों समस्याओं के बावजूद भी अल्पसंख्यक समुदाय दलित समुदाय ऊंचे लोग पदों पर पहुंच चुके हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति पद पर भी सिख मुसलमान दलित भी आसीन हो चुके हैं। सिख समुदाय से भी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इस तरह से सामाजिक विभाजनों में राजनीतिक तय करने के तीन कारक हो सकते हैं। पहला कारक है कि लोगों को राज्य की पहचान भावना के प्रति विश्वास, उनके परिणाम स्वरूप लोग अपने सामाजिक विभाजन के पीछे रखना चाहते हैं। फिर देखिए सामाजिक विभाजन में राजनीति को भी प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है राजनीतिक दलों के संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना और दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी मांग को न उठाना और इसके साथ साथ सामाजिक वर्गों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर यहाँ देखेंगे तीसरे सामाजिक विभाजन की राजनीति प्रभावित करने वाला अन्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि सरकार विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रति कैसा रूप अपनाती है और प्रशासनिक लोकतंत्र जो सामाजिक वर्गों की हिस्सेदार बनती है या कोई समस्या पैदा नहीं होती है, परंतु इस तरह से शासन तंत्र अलग अलग रखती है और संघर्ष कलह गृह युद्ध और यहाँ तक कि देश की बंटवारा भी हो सकता है। इसलिए वो उस चीज को ध्यान रखती है कि किसी भी तरह से सामाजिक विभाजन में राजनीति प्रभावित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जो कि कोशिश ये की जाती है कि एक लोकतंत्र में एकता बनी रहे। इस तरह से देखेंगे कि लोकतंत्र में जो है विभिन्नता भी पाई जाती है, जिसमें जो लोकतंत्र है उसमें विभिन्नता होते हुए भी हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं, जैसे कि वसुदेव कुटुम्बकम कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अनेक जाति अनेक धर्म अनेक जाति धर्म के लोग होने के बाद सांस्कृतिक अलग होने के बाद इतनी विविधताएं होने के बाद भी हम एक साथ एक ही देश में रहते हैं।